Good afternoon, everyone. और भी किसी ने आना है क्या अभी? और भी किसी बच्चे ने? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मॉड्यूल का आपका पहला पेपर जो है उसका वो हम स्टार्ट करेंगे. पेपर का नाम है गवर्नेंस कॉम्प्लायंस सॉरी गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस. लंबा चौड़ा नाम है. गवर्नेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ. गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस एंड एथिक्स. और अभी मैं बताऊंगा, अभी भी ये नाम पूरा नहीं है, मतलब पेपर का आपका नाम यही है बट इसके अंदर चीजें और भी कवर्ड है. बट वो सब नाम में डाल देते तो आप पेपर के अंदर यही लिखते रह जाते आधे घंटे. तो फर्स्ट मॉड्यूल का आपका पहला पेपर, सबका दिसंबर अटेम्प्ट है, किसी का जून तो नहीं. ठीक है, पहले दिए कभी किसी ने ये वाला पेपर? ठीक है, अच्छी बात है, पहले में निकालेंगे. गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस एंड एथिक्स. मैं पहले थोड़ा सा आपको इस पेपर के बारे में बता देता हूं. जैसे नाम से पता लग रहा है, इन चार पार्ट्स में ये पूरा पेपर डिवाइडेड है एंड एवरी सिंगल पार्ट हैज बीन एलोकेटेड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज बाय आईसीएसआई. गवर्नेंस की कुछ परसेंटेज प्रिस्क्राइब की हुई कि 100 में से इतने मार्क्स का गवर्नेंस आएगा. सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट की भी, सिमिलरली कॉम्प्लायंसेस वाले पोर्शन की, सिमिलरली एथिक्स वाले की. क्या पोर्शन है? गवर्नेंस 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर है, उसमें से अच्छा देखा जाए बिल्कुल आधा एग्जैक्टली 50% एलोकेशन किसको की हुई है? सिर्फ गवर्नेंस को, ओनली गवर्नेंस. उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कितना? 20 मार्क्स. कॉम्प्लायंसेस इसको अगेन 20 मार्क्स. बाकी कितने बचे? 10 ऑब्वियसली एथिक्स. और उसका पूरा नाम ना, जैसे पेपर के अंदर सिर्फ एथिक्स है बट उस पोर्शन का नाम है एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी. यही मैं कह रहा था कि ओवरऑल तो और लंबा नाम है, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी. और इसको ऑब्वियसली कितने मार्क्स? 10 मार्क्स. इस हिसाब से आपका पूरा एक 100 मार्क्स का पेपर तैयार किया हुआ है, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस एंड एथिक्स. अच्छा पेपर है. और ये पेपर जो है ना, स्टार्टिंग से जब से आपका सीएस का कोर्स स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है कि जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है तब से ये पेपर हमारे कोर्स करिकुलम में था, ऐसा नहीं है. बहुत रिसेंटली ये ऐड हुआ है. रिसेंटली मतलब इतना भी नहीं कि आप सोचो पिछले साल ही ऐड हुआ है या दो तीन साल पहले, 2011-2012 में तब जाके ये पेपर ऐड हुआ था. अच्छा, जाहिर सी बात है कोई नया पेपर आईसीएसआई कोर्स करिकुलम में डाल रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा. और हर बार होता है कि जब भी कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस करता है आईसीएसआई आपके सिलेबस में, तो पूरा वेबसाइट के ऊपर और अपने वेबिनार्स के ऊपर हर जगह अलग से पब्लिसाइज करते हैं कि व्हाई आर वी इनकॉर्पोरेटिंग दिस न्यू पेपर. हर चीज का एक लॉजिक होता है, मैं उसका बताता हूं कि क्यों आईसीएसआई ने ऐसा किया कि हाँ एक इस तरीके का पेपर आपके सिलेबस में होना चाहिए. एक्चुअली ये बाकी की तीन चीजें ना, जो ये रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेज एथिक्स वगैरह, ये फिर भी नाम की है. जो मेन इस पेपर की जान है या फिर ये कह लो कि पेपर का जो क्रीम है और जिस नाम से ये पेपर जाना जाता है वो है गवर्नेंस. और गवर्नेंस में भी टू बी प्रिसाइज, टू बी पर्टिकुलर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मतलब नाम गवर्नेंस है बट इसके अंदर हम सारी बातें मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या आएगा, बट सारा हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ए टू जेड. तो नाम के लिए गवर्नेंस है बट सारी अंदर बातें जो हमने पढ़नी है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. और सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा एक 100 मार्क्स का पेपर डेवलप किया, ऑल्दो इसकी वेटेज 50 मार्क्स की है. क्योंकि क्या है, आईसीएसआई का एक हमेशा से विजन रहा है और आजकल तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली इंफोसाइज करने लग गया इस ये इन दो शब्दों के ऊपर. आप कभी हमारी वेबसाइट भी उठा के देख लेना, कभी इंस्टीट्यूट की, हमारे इंस्टीट्यूट की दीपक जैन क्लासेस की नहीं, आईसीएसआई की, आईसीएसआई की वेबसाइट पर देखना और जहां भी इनके वेबिनार्स आते हैं हर जगह इनका फोकस होता है कि जहां भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आए, जहां भी ये दो शब्द सुनाई दे, सीधा दिमाग में एक प्रोफेशनल दिखे कंपनी सेक्रेटरी.
आईसीएसआई का ये विजन है और काफी हद तक हम ये अचीव भी कर पाए हैं कि हाँ जहां क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके एक अकेला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब बात आती है तो किसी के दिमाग में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग में नहीं आता या कॉस्ट सीएम में ध्यान में नहीं आता, लॉयर ध्यान में नहीं आता, बट हाँ जब कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीजों की बात होती है, द ओनली प्रोफेशनल हु कम्स इनटू एवरीवन्स माइंड इज कंपनी सेक्रेटरी ओनली। इनफैक्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बीच में आपके सीएस का पूरे कोर्स का नाम भी चेंज होने लगा था, ऑल्दो इसके ऊपर कोई फाइनल कॉल ली नहीं गई, बट हाँ एक सजेशन दिया था आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने जो उस टाइम पे थे, उन्होंने कहा था कि इस कोर्स का नाम ही चेंज करके हमें क्या रख देना चाहिए, जीपी, जीपी मतलब गवर्नेंस प्रोफेशनल। हाँ ये सजेशन दिए जाते थे कि इस कोर्स का पूरा नाम ही चेंज करो एंड चेंज द नेम ऑफ सीएस टू गवर्नेंस प्रोफेशनल, ऑल्दो ऐसा मतलब लगता भी बेकार गवर्नेंस, अब आईसीएसआई बोल के आप बोलते आईजीपीआई, तो मतलब अच्छा भी सीएस ही लगता है और अच्छा, सीरियसली मैं तो पर्सनली अपनी ओपिनियन बता रहा हूं कि अच्छा ही हुआ कि नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा कोर्स जो है ना एक तरीके से थोड़ा कैसे बताऊं कि अलग तरीके से समझा जाना वाला कोर्स है, कि जो इस कोर्स में है उसको बहुत अच्छे से पता है कि सीएस क्या है, सीएस का काम क्या होता है, उसकी पोजीशन कितनी हाई लेवल की है, रिगार्ड कितना है उसका और रिस्पेक्ट कितनी है और पावरफुल पोस्ट है, सीनियर पोस्ट है, बट जो उनको नहीं पता उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। अच्छा आप, आपसे जनरल डे टू डे लाइफ में भी आपके साथ होता होगा कोई रिलेटिव्स में या कोई जान पहचान में सीएस, आप बताते हो कि सीएस करो, सीधा दिमाग में दो तीन चीजें कंप्यूटर साइंस या अगला आपका सिविल सर्विसेज, ये ऐसी चीजें तो बट वो अब, लेकिन हाँ पहले ऐसा एक टाइम था सीए बहुत जल्दी लोग वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट हाँ ये टाइम पहले ज्यादा था, अब क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ भी चुका है एंड यस पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, इवन जनरल पीपल, कोई लॉ की बात नहीं कर रहा मैं, जो आम जिंदगी में भी आप मिलोगे तो हाँ अब सीएस की वैल्यू होने लग गई है कि हाँ समझने लग गए लोग कि हाँ एक्चुअली इट इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट। अब मैं वही हम सोचते थे कि अब इतनी मुश्किल से तो लोगों ने जाने इस सीएस को हमारे जितने सालों से समझा के थक जाते थे कि कंप्यूटर साइंस नहीं, सिविल सर्विसेज नहीं, कंपनी सेक्रेटरी है, और अब जब एक बन गया अब नाम चेंज कर दो, अब जीपी समझाओ, तो अच्छा हुआ नाम चेंज नहीं हुआ, बट हाँ इसको एक सजेशन दिया जा रहा था कि हाँ वाई शुडंट वी चेंज द नेम ऑफ सीएस टू गवर्नेंस प्रोफेशनल, क्योंकि काम हमारा ये है आईसीएस एक, और कोई बड़ी बात नहीं है अभी भी नाम चेंज कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रपोजल अभी भी पेंडिंग है कि हाँ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा बाकी चीजों में हम लग गए, जब से नया कंपनी सेक्ट आया तब से उसी में लग गए, बट कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जब तक आप सीएस बनो तब तक आप जीपी कहलाओ गवर्नेंस प्रोफेशनल, कोई बड़ी इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट अभी फिलहाल सीएस ही है। और आईसीएसआई का विजन भी यही है, वो चाहते हैं कि यार जैसे ही गवर्नेंस के बारे में जिक्र भी हो अकेला प्रोफेशनल जो दिमाग में आए किसी के भी वो सीएस हो, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में इट इज अ फैक्ट कि कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में हमसे ऊपर कोई डिग्री नहीं है वो इंडिया में, इट इज द बिगेस्ट डिग्री एज फार एज कॉर्पोरेट लॉस मैटर्स आर कंसर्न। अब मैं अगर फाइनेंशियल मैटर्स के रिस्पेक्ट में बोलूं उसमें अलग अलग, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छा कोर्स है, एमबीए फाइनेंस या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्सेशन एक्सपर्ट उनमें भी उनको कंसिडर किया जाता है, हर प्रोफेशनल की अलग अलग डोमेन है, अकाउंटेंसी एक्सपर्ट हम नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम नहीं है, हम क्या है लीगल एक्सपर्ट, जैसे आज ही की बात है चांस मैं एफएम भी पढ़ाता हूं एग्जीक्यूटिव में, तो एक हम उसमें मैं पढ़ा ही रहा था कि एक दो चीजें होती है, फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन और एक होता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कभी टर्म सुनी हो आपने, एक होता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एक होता है फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन, दोनों में फर्क है, नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट मतलब जिसकी एक्सपर्टीज ही किसमें हो, फाइनेंस की लाइन में, जिसकी फोटे ही सिर्फ फाइनेंस की एक्सपर्टीज है, उसकी उसका कोर एरिया यही है कि हाँ भैया मैं फाइनेंस का हेड हूं, तो बट क्या कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, नहीं। आप अपने आप से अपने आप को कह लो, जैसे आपको एफएम का पेपर बड़ा अच्छा लगता है तो आप कह लो कि हाँ मेरे को आई एम एन एक्सपर्ट इन एफएम, मुझे एफएम बड़ा अच्छा लगता है, आप अच्छे एफएम में, बट द डिग्री विच यू आर होल्डिंग मार्केट में उसको लेके जाओगे तो लोग आपको सीएस की डिग्री के साथ लीगल एक्सपर्ट ही कंसिडर करेंगे, दे विल नॉट क्लासीफाई यू एज अ टैक्सेशन एक्सपर्ट, दे विल नॉट क्लासीफाई यू एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। हाँ सीएस को फाइनेंशियली लिटरेट बोला जाता है कि हाँ हम, और फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब कि अवेयरनेस है, यू आर हैविंग अ लिटरेसी इन फाइनेंस, यू आर नॉट हैविंग एन एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, बट आपको थोड़ी बहुत समझ है। सो सिमिलरली इसलिए हमारे कोर्स करिकुलम में सारे सब्जेक्ट्स बेसिकली कॉर्पोरेट लॉस के होते हैं। हाँ लीगल एक्सपर्ट हमें, अच्छा जैसे हमारे सिलेबस में अब देखना आपके फाइनल में आके भी
मैक्सिमम बाय एंड लार्ज पेपर तो लॉ के ही है, वो भी कॉर्पोरेट लॉ. अब ड्राफ्टिंग भी आप पढ़ते हो तो ड्राफ्टिंग भी उसके अंदर, ड्राफ्टिंग तो सेकेंडरी चीज है, पहले तो लॉ ही आता है. पहले जब तक लॉ आपका सॉलिड नहीं होगा तब तक हाउ कैन यू डू अ ड्राफ्टिंग. तो कोई डीड कैसे ड्राफ्ट करोगे जब तक लॉ नहीं पता. अब तो आप पढ़ते ही ड्राफ्टिंग शुरू हो गई नहीं, मतलब अभी लॉ खत्म हो गया ड्राफ्टिंग पार्ट आ गया. अच्छा लॉ चल रहा है, हाँ अभी ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको अब, लेकिन इतना तो समझ आ गया होगा कि जब तक आप लॉ से अच्छे से वाकिफ नहीं होगे तब तक यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड विद द ड्राफ्टिंग. और लॉ अच्छे से समझ आ गया तो ड्राफ्टिंग कुछ भी नहीं है. एनीवे, तो हमारे ज्यादातर पेपर्स भी जो है सारे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड ही है. ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो आप आगे पढ़ोगे, गिनती के पेपर है जो इनसे डील नहीं करते, बाकी बाय लार्ज सारे इन्हीं के लेके. हाँ अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अब हमें बाकी पेपर्स पढ़ाए क्यों जाते हैं, कि भैया एफएम पढ़ाया भी क्यों जा रहा है या टैक्स पढ़ाया भी क्यों जा रहा है. जब हमें बनाने ही गवर्नेंस प्रोफेशनल है तो पढ़ाओ ही मत. और किसी बच्चे को, ज्यादातर सीएस वालों को होती है चिड़ कि प्रैक्टिकल हमें नहीं चाहिए, हम तो सर आए ही इस कोर्स में इसलिए थे क्योंकि ये लॉ बेस्ड है, थ्योरी ज्यादा है. तो किसी किसी को होता है कि प्रैक्टिकल बेकार लगता है. कौन सा आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक जितना आपके रेलेवेंट है उतना ही बताते हैं. अब एफएम का आपका पेपर जो है वो एक ही पेपर है, न्यूज सिलेबस में तो आपके एग्जीक्यूटिव में ही है, तो आप सारे न्यूज सिलेबस तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव में एक पेपर है 100 मार्क्स का. वहीं अगर आप सीए का कोर्स स्ट्रक्चर देखो या सीएमए का, वहां पे एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है और फाइनल लेवल पे भी होता है, दो पेपर होते हैं एफएम के. सिमिलरली टैक्स भी आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ाया जाता है, वहां पे डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग, वो भी इंटर पे अलग, फाइनल में अलग. तो अच्छा, उनका कोर एरिया यही है टैक्सेशन फाइनेंस, इसलिए उनका ज्यादा डिटेल में वो है. हमारा कोर एरिया ही लॉ है और कॉर्पोरेट लॉस, इसलिए हमारे सिलेबस में ये सारी बातें ज्यादा डिटेल में. बट हाँ, हमें थोड़ी बहुत चीजें पता तो होनी चाहिए ना. अच्छा देखा जाए, लॉ फाइनेंस अकाउंटेंसी आपस में कहीं ना कहीं सबकी लिंकेज तो है ही, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. अब ये थोड़ी है कि अब आप सब मान लो आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, मीटिंग में बैठे कोई बात हो रही है आपसे, वो जैसे मान लो आपका कोई, लेट से कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर या फिर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपसे पूछ रहे कि आपकी कंपनी को 1000 करोड़ रुपीज की फॉर्म में पैसे रेज करने. अच्छा सुना होगा डेट और इक्विटी की फॉर्म में यू कैन रेज द मनी. अब आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल ओपिनियन, आपकी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मांगी जा रही कि यार आप बताओ कि डेट की फॉर्म में पैसा लेना चाहिए या इक्विटी. अब आपका ये जवाब दोगे, नहीं मेरे को तो ना कंपनी लॉ की चीजें पता है, मेरे को तो ना मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब चीजें पता होती है, जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग, मेरे से ये सब बातें मत पूछा करो आप, मेरा जो एरिया है मेरे को उसी तक रहना. तो ऑब्वियसली ये तो इसका मतलब आप रट्टे मार के आए हो, तो आपसे कौन ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आपसे कि आपकी एक्सपर्टीज हो. बट इस लेवल पे तो आप आओ कि आप थोड़ा बोलने लायक रहो. ऐसे लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन. तो इंस्टीट्यूट का विजन भी यही है कि हाँ फाइनेंशियल बातों में इनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, बट हाँ इन पेपर्स में एथिक्स जैसे कॉर्पोरेट लॉस, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट लॉ, आगे एक पेपर आएगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, देखा होगा अगर आप अलग और भी ग्रुप्स दे रहे हो तो, सेकंड मॉड्यूल में आपका सीआरबी है बहुत डिटेल पे. तो उनमें इंस्टीट्यूट का विजन है कि इनको लीगल एक्सपर्ट बनाना है, कि हाँ एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज देनी है. समझ आ गया. अच्छा जैसे हमारे में सेम सीए में भी है, अब सीए वालों में भी लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट एंड, अब हम जो इतने अलग अलग लॉस आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हो, कंपनी लॉ का अलग पेपर, कैपिटल मार्केट लॉ का अलग पेपर, आपका इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ अलग, जनरल लॉज अलग, उनके में सब मिला के एक पेपर में कि वे कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस. सेम वही लॉजिक है कि उनको आईसीएआई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वो उनको लीगल एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहता, वो उनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाना चाहता है. बट हाँ एक लेवल ऑफ वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए उनके कोर्स में डाला हुआ, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत पता हो ताकि एक कम्युनिकेशन तो हो पाए. ये थोड़ी कि हर हम तो जैसे वो घोड़ों के यहाँ नहीं लगाए होते कि हम तो इसी डायरेक्शन में चलते हैं, हमें आगे पीछे कुछ नहीं पता. ऑब्वियसली ये गलत अप्रोच है. तो उसी ऑब्जेक्टिव से हाँ कंपनी सेक्रेटरी इज ओनली अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन, नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट हाँ लीगल एक्सपर्ट है. तो आईसीएसए का हमेशा ये विजन यही रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी को गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाना है. तो इसीलिए एक पूरा ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना ये पेपर, मैंने बताया ये जो एलोकेशन हुई है ये अब जाके करी है एलोकेशन. दिस इज जो अभी जी जो 50 मार्क्स 20 मार्क्स, पहले कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं थी और 100 मार्क्स एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था विदाउट एनी क्लासिफिकेशन. तो हम बोलते थे कि गवर्नेंस के ऊपर एक 100 मार्क्स का पेपर है. तो आईसीएसए का विजन यही था कि जब हम अपने कंपनी सेक्रेटरी को पूरी दुनिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि वो गवर्नेंस एक्सपर्ट है और हर जगह बोल रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम आते ही उसको ध्यान में रखो,
तो हमें अपने कोर्स करिकुलम में भी चीजें डालनी चाहिए कि एक 100 मार्क्स का पूरा पेपर डाले ऑन द टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि देखने वाले को भी लगे कि हाँ ऐसे ही नहीं बोल रहे कि एक कंपनी सेक्रेटरी बन के आया है तो हाँ उसने 100 मार्क्स का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर क्लियर करा। दिस इज द विजन ऑफ ICS और इसी वजह से ये 2011-12 के करीब आपके कोर्स करिकुलम में आ गया था। क्लियर? और अच्छा पेपर है, काम को नॉलेजेबल है, मजे आएंगे देखने में। अच्छा, एक एक करके मैं आज मैंने सिर्फ पेपर का ओवरव्यू देना आपको कि पेपर में है क्या, डिटेल में अगली क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बता देता हूँ। पहले गवर्नेंस, मैंने बताया गवर्नेंस में हमें तो इससे मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या क्या मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है टर्म? ऑल्दो आपने एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, कैपिटल मार्केट वाले पेपर में अगर आपको याद हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलग एक पूरा सेबी LODR रेगुलेशंस आपने पढ़ी होंगी, वहां पे पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, फिर भी कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम बहुत, मतलब एक उल्टे उस वे में बोलो तो कॉम्प्लायंस विद द लॉ इन इट्स लेटर एज वेल एज इन इट्स स्पिरिट। ये चीज समझते हो, लेटर ऑफ द लॉ एज वेल एज स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेटर ऑफ द लॉ मतलब कि जो लॉ में एज इट इज जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो उनको कॉम्प्लाई करना कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है नहीं करने क्रॉस, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, न्यूसेंस नहीं मचानी, शोर, गलत काम नहीं करने किसी का, ठीक है हाँ नहीं कर रहे। बट उसके पीछे ये होता है इट इज द कॉम्प्लायंस विद द लेटर ऑफ द लॉ, बट लॉ ने किस ऑब्जेक्टिव से वो चीज बनाई है उसको भी कॉम्प्लाई करना, दैट इज नोन एज स्पिरिट ऑफ द लॉ। समझा? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कि आप लॉ को और अच्छा नाम के आगे गवर्नेंस के आगे जुड़ के कॉर्पोरेट, तो इसका मतलब अच्छा ये हमारे लिए ये रेलेवेंट है, मैं ये कह रहा हूं ये कंपनी सेक्रेटरी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही तो रेलेवेंट है क्योंकि उसने कम कॉर्पोरेट लेवल पे गवर्नेंस करवानी है। समझ आ रहे हैं? हमें क्या मतलब है कि कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हमें ये देखने की जिस कंपनी के हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे वेदर दैट कंपनी इज फॉलोइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स और नॉट, कि वहां पे जो लॉ है वो लेटर में भी कॉम्प्लाई होता है, स्पिरिट में भी कॉम्प्लाई, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ लॉ कॉम्प्लाई करना, जितने भी लॉज लग रहे हैं उनकी कॉम्प्लायंस करा के देना। और अच्छा, जब एक लॉ को आप लेटर में कॉम्प्लाई कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, बट जब आप स्पिरिट में भी उसको कॉम्प्लाई कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने आप में आप एथिक्स के साथ भी कॉम्प्लाई कर रहे हो। अभी आएगा देखो एथिक्स का अलग पोर्शन है तब पढ़ाऊंगा, बट एथिक्स समझते तो हो गए, एथिकल मतलब जनरली इट इज लिंक विद मॉरल्स, कि भैया आपके मॉरली कोई चीज कैसी है। लीगल एंगल अलग है, मॉरल एंगल अलग होता है, तो वो तब पढ़ाऊंगा कि कोई गलत काम नहीं करने वगैरह वगैरह। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब भी हम बात करते हैं तो यही सब बातें आती हैं कि लॉ की कॉम्प्लायंस करा के देना और उसकी लेटर में भी कॉम्प्लाई करना, स्पिरिट में भी कॉम्प्लाई करना और एक एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में इनकरेज करना। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये काम होता ही किसका है, आप लोगों का एक CS का चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी मतलब, वो तो देखेगा बैलेंस शीट ढंग से बन रही कि नहीं बन रही, P&L अकाउंट उसकी वो सब चीजें देखेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कॉस्टिंग पार्ट होता है, हर प्रोफेशनल का एक अलग रोल है। बट ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके सिर्फ मेजर रोल किसका है? हमारा और किसी का नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी। और सीधा दिमाग में आता ही पहला प्रोफेशनल यही है। क्लियर? और दूसरी बात ये इसको लेके ना लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया आजकल, मतलब आज की डेट में हमारा जो कंपनीज एक्ट है या सेबी के रिलेटेड लॉ जितने भी सारे हैं, हमारा इंडियन लीगल फ्रेमवर्क भी बहुत सीरियस हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वायलेशंस के ऊपर, कि हल्की सी भी कोई फॉर्मेलिटी आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कॉम्प्लाई नहीं करी पेनल्टीज बहुत हैवी हैवी है। एक तो मॉनेटरी टर्म्स में तो है ही, इम्प्रिजनमेंट भी है और बहुत डिटेल अलग मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया लॉ, और जितना लॉ स्ट्रिक्ट हो उतना आपके लिए अच्छा है। एक प्रोफेशनल के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लॉ स्ट्रिक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनीज को तो लॉ कंप्लाई करना है, और कंपनी लॉ कंप्लाई करने के लिए आप ही को तो हायर करेगी क्योंकि उनको थोड़ी आता है लॉ कंप्लाई करना, और मार्केट में आप ही उनको थोड़ी आते हैं फॉर्म फाइल करने, उनको थोड़ी पता है मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होते हैं, ये सब आपने करके देने। क्लियर? तो जैसे मैं बता दूं कि लॉ भी इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, आप खुद एग्जीक्यूटिव पूरा कंपनी लॉ पढ़ के आए हुए हो, इतने प्रोविजन पढ़ते नहीं थे वो, उनकी उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जैसे मैं बड़े सारे एग्जांपल देता हूं, अच्छा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते थे सेक्शन 149 में, इंडिपेंडेंट सेबी LODR रेगुलेशन में भी पढ़ते थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंसेप्ट मैंडेटरी किया हुआ है, ऑल्दो हर कंपनी के लिए नहीं बट बड़ी बड़ी कंपनीज
लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, उनमें अंदर एक सर्टेन नंबर, वन थर्ड हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, ये कंसेप्ट लॉ ने रखा हुआ है, ये अपने आप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। यहां भी ऑन अ बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी देयर शैल बी मिनिमम वन थर्ड ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वन थर्ड आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये अपने आप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट ही तो है। कैसे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? टू एक्ट इन एन इम्बायस्ड मैनर, टू एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर, और कंपनी के बोर्ड पे कुछ भी गलत हो रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम होता है आवाज उठाना। अब अगर ये रिक्वायरमेंट डाले ही ना तो कोई कंपनी ना रखे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट लॉ ने बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी रिलेटेड लॉस उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, बाय डूइंग दिस वी आर कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सिमिलरली, अच्छा आप और भी बड़े सारे कंसेप्ट पढ़ते थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि इनकी भी एक अलग मीटिंग होनी चाहिए। याद है एक और कंसेप्ट पढ़ते थे, रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, कुछ याद नहीं होगी आपको, मुझे पता है कि रेगुलेशन नंबर 17, कुछ फिर भी तुक्का मारना चाहो वो भी सर सेबी एलओडीआर की फुल फॉर्म नहीं याद, रेगुलेशन 17 क्या बात होगा। चलो एक्चुअली इसमें आप एक पॉइंट पढ़ते थे, रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। अब मैं जब बोलूंगा तो याद भी आ जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया, मैं यही शुरुआत इससे कर रहा था कि देयर शैल बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। पढ़ते थे कुछ याद आ गया, कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है अंदर की डिटेल नहीं पूछ रहे हम, थोड़ा बहुत याद आ कि हाँ ऐसी लाइन हमने रट्टा मारा था एग्जीक्यूटिव में कि एक कंपनी के बोर्ड पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन किसका? एग्जीक्यूटिव फुल टाइम डायरेक्टर्स बोल लो, फुल टाइम डायरेक्टर्स का भी प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर का भी, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पे सारे ही फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं ये भी अपने आप में गलत है, एक कंपनी के बोर्ड पे सारे ही पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं ये फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया वाले इसको गलत मानते हैं। मैं बताऊंगा कभी आगे जाके 3-4 क्लासों बाद इसकी वजह बताऊंगा, बट हाँ दोनों गलत है। फुल एक कंपनी के बोर्ड पे सारे फुल टाइम डायरेक्टर ये भी गलत है, एक कंपनी के बोर्ड पे सारे पार्ट टाइम ये भी गलत है। तो इंडियन लॉ क्या बोलता है, देयर शैल बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कि दोनों हो, कुछ फुल टाइम हो कुछ पार्ट टाइम हो, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ताकि अच्छा पार्ट टाइम का काम क्या होता है? सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना और पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, दैट्स इट। फुल टाइम डायरेक्टर्स दे अटेंड बोर्ड मीटिंग्स आल्सो एज वेल एज दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो दोनों का होना जरूरी है। अच्छा ऐसी प्रोविजन डाल के कहीं ना कहीं फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। एक और कंसेप्ट बोलता हूं ये भी याद आ जाएगा, बोर्ड डाइवर्सिटी। कभी सुना ही बोर्ड डाइवर्सिटी? थोड़ा नहीं सुना तो वैसे ही तुक्का लगाओ क्या होगा इसमें। बोर्ड के ऊपर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब बिल्कुल अलग अलग फील्ड के लोग आपके बोर्ड पे होने चाहिए। अच्छा आप खुद बताओ, मैं यहां पे दो कंपनी से एग्जांपल लूं, ये ए लिमिटेड ये बी लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर्स हैं, इसके अंदर भी 6, इसके अंदर जो 6 हैं वो ऐसे हैं कि 5 हैं जो फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और 1 है जो लीगल फील्ड का एक्सपर्ट है, यस है। और इस कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं वो ऐसे हैं कि 2 हैं फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट, 1 है मार्केटिंग का एक्सपर्ट, 1 है एचआर फील्ड का एक्सपर्ट, 1 है लीगल का, 1 है प्रोडक्शन का, ऐसे करते करते बन रहे। कौन सी कंपनी का बोर्ड, ऑल दो कोई ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है जो मैं बोलने वाला हूं कि हाँ यही अच्छी है, बट स्टिल आपको प्राइम ऑफ एसी देखने से कौन सी कंपनी का बोर्ड ज्यादा चल रहा है? बी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इट हैज अ डाइवर्सिटी ऑन इट्स बोर्ड। उस कंपनी के बोर्ड के ऊपर हर तरीके के डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं। अच्छा और इन्हीं के अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन भी बना हुआ होगा, कुछ पार्ट टाइम होंगे कुछ फुल टाइम होंगे, समझ आ रहे? तो ऐसी मतलब ये सारे ये भी लॉ में रिक्वायरमेंट है कि देयर शैल बी अ डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। रेगुलेशन 17 में ये पॉइंट आता है, ऑल्दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता बट हाँ लॉ का पार्ट है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी के बोर्ड पे ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। अच्छा ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है कि हाँ हमारी कंपनी के बोर्ड पे इतने लोग हैं और अलग अलग चीजों के लुक आफ्टर करने के लिए वी हैव डिफरेंट प्रोफेशनल, तो इट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। जो सबसे आपने कॉमन चीज पढ़ी है वो बताता हूं, बोर्ड मीटिंग्स साल में कितनी होनी चाहिए?
मिनिमम फोर पढ़ते होते, देयर शैल बी मिनिमम फोर बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी कैलेंडर ईयर, प्लस SS1 क्या बोलता था, हर क्वार्टर में भी एक, याद है ना, हर कैलेंडर क्वार्टर में भी कम से कम एक बोर्ड मीटिंग आपको करनी है, और ओवरऑल साल में चार. अब एक कंपनी ऐसी है कि सिर्फ लॉ की फॉर्मेलिटी कॉम्प्लाई करने के लिए वो साल में चार बोर्ड मीटिंग कर देती है और हर क्वार्टर में भी एक कर देती है. और एक पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो लॉ ने अपनी तरफ से बोल दिया, बोर्ड मीटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जब जब उनकी जरूरत है तब तब हो रही है. मान लो कोई बहुत, कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वार्टर के अंदर ही चार बोर्ड मीटिंग करनी पड़ जाए, ये भी हो सकता है. कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं जिसके लिए पूरे बोर्ड का इकट्ठा होना जरूरी है, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आए और अपनी राय दें बोर्ड मीटिंग में, वरना आपको भी इसको नैरो वे में समझते होगे. बट ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना एक ही कंपनी के, ये इनको आपस में मिले हुए सालों बीत जाते हैं. आपको लगता होगा कि रोज कंपनी में आते होंगे, मिलते होंगे. जो फुल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं वो भी इतना एक्टिवली नहीं आते हैं, वो तो नाम के लिए फुल टाइम है, आते वो भी नहीं है, और पार्ट टाइम तो सिर्फ आते ही बोर्ड मीटिंग में. और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आते भी नहीं है. तो बहुत अरसे बीत जाते हैं, आपस में मिले ही नहीं है. बट ये अच्छी बात थोड़ी है कि आप एक कंपनी को संभाल रहे हो. अब पहली क्लास में कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया जाता है कि डायरेक्टर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. ऑनर कौन है? शेयर होल्डर. आप उनके पैसे को सेफगार्ड करने के लिए बैठे हो और उनके एक तरीके के एजेंट का काम कर रहे हो, और आप खुद ही उनके उनका ध्यान नहीं रख रहे, बोर्ड मीटिंग्स में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या कंपनीज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर अपना फुल्ली टाइम नहीं दे पा रहे. गलत चीज है. तो होना यह चाहिए कि जब जब बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, सारे डायरेक्टर्स कोशिश करें कि हाँ हम अवेलेबल हो पाएंगे. और ये मत सोचो कि साल में जस्ट फॉर नेम सेक कि चार बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है तो चार कर ली, जब जब जरूरत है तब तब करो. तो ये भी बोला, अच्छा अगर कंपनी ऐसे करेगी, अच्छा देखो फिर भी बात होगी ना. अब मान लो किसी कंपनी ने साल में सात बोर्ड मीटिंग्स करी, देखा जाए तो इट हैज कंप्लाइड विद द लॉ इन इट्स लेटर ऑल्सो एज वेल एज इन इट्स स्पिरिट. अब समझ आ गए क्यों? क्योंकि लेटर ऑफ द लॉ क्या था, साल में चार वो तो करी ही करी, लेकिन उसने स्पिरिट ऑफ द लॉ भी कॉम्प्लाई करी. कैसे? कि चार करने के बाद भी ये नहीं कि रुक गए, अगर जब जब जरूरत थी, अच्छा तीन बार और जरूरत पड़ी तो उन तीन टाइम पे भी डायरेक्टर्स मिले और कोरम बना वहां पे प्रॉपर, एंड दे अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हो या फिजिकल प्रेजेंस हो. बट हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो जुड़ते हैं उनको भी कोरम में काउंट करते हैं, पता है ना. हाँ, तो जैसे भी जुड़े, बट हाँ आपने टाइम निकाला अपना. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्या अगर आपकी कंपनी के अंदर ये सब प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम बोलते हैं कि दैट यस यू आर अ कंपनी विद साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्लियर. और ये करवाना किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी है, कि कंपनी सेक्रेटरी ने ये करवाना है कि हाँ कोशिश करनी है कि हाँ हर चीज हमारी कंपनी के अंदर लीगल वे में भी हो रही है, एथिकल वे में भी हो रही है, कि कुछ बिल्कुल परफेक्ट वे में सब कुछ हो रहा है. इसलिए जैसे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बता रहा हूं ना कि बहुत फेमस नाम हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको लेकर आजकल अवार्ड्स भी होते हैं कितने सारे, जो टीवी चैनल्स करवाते हैं जैसे, या फिर न्यूज़पेपर हाउस कराते हैं कि टाइम, एक वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर होते हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, या आपका मिंट हो गया, ये सब. तो या फिर फाइनेंशियल चैनल्स जैसे ईटी नाउ या आपका जी बिजनेस, अवार्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड. नाम ही यही है कि हर साल के अंदर एक बार हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड अनाउंस करेंगे और लोगों से उनका फीडबैक मांगते हैं, कि जनरल पब्लिक से, कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी इंडिया में जो है टॉप फाइव में आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके. और हर बार, मतलब इतने सालों से जब से ये अवार्ड चल रहे हैं, एक कंपनी हमेशा इस लिस्ट में टॉप फाइव में आती ही आती है. अरे वाह, क्या बात है. इंफोसिस, इसका नाम हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा. इंफोसिस जन, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कभी इंफोसिस रह गई हो, टॉप फाइव में नहीं है तो पीछे आएगी, लेकिन हाँ टॉप में ही रहती है. वरना इंफोसिस इज वन सच जायंट कंपनी, बिग कंपनी, जो हाँ इस क्राइटेरिया के अंदर हमेशा फिर बैठती है. हर टेलीविजन शो या हर चैनल के अवार्ड शो में इंफोसिस का नाम जरूर होता है. क्या इतनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इस कंपनी की, इतने अच्छे लेवल पे लेके आ चुके हैं, क्या अपने आप में देखने. इंफोसिस होगी, विप्रो का भी नाम आता है बहुत, इंफोसिस विप्रो, यहाँ इनफैक्ट ICICI बैंक को भी कंसिडर करते हैं. बट हाँ ये सब कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं, बट इंफोसिस हमेशा 99.9% हर बार टॉप कॉर्पोरेट गवर्निंग कंपनी में इंफोसिस का नाम आपको मिलेगा. और यही वजह कि इट हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग. अगर आपको एक बड़ी प्रूवन फैक्ट है जो आजकल बड़ा फेमस भी हो गया, कि बोलते भी हैं कि किसी ने 1993 में, कभी सुना हो आपने, इंफोसिस में अगर 10,000 रुपए लगाए थे
1993 में इफ समवन इन्वेस्टेड 10,000 क्योंकि 1993 इसी टाइम पे उसका आईपीओ आया था, तो 10,000 रुपए अगर किसी कंपनी में किसी बंदे ने इन्फोसिस में लगाए थे उस टाइम पे, तो 2018 में 25 साल बाद, तो 2018 में उन 10,000 की वैल्यू पता कितनी होगी थी, कुछ अखबार वगैरह में पढ़ाओ, मोर देन 3 करोड़। मतलब वो 10,000 रुपए मोर देन 3 करोड़ से, 3 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं आज की डेट में। और वो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज है, बट हाँ वो सारी होंगी ऐसी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत अच्छी हो, और हर एक कंपनी ऐसी नहीं है। अब इन्फोसिस हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग क्योंकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट उसके अंदर आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये कंपनी कुछ गलत नहीं करती, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स लेटर में भी कॉम्प्लाई करती है, स्पिरिट में भी कॉम्प्लाई करती है, और आपके सामने कि शेयर होल्डर की वेल्थ मल्टीप्लाई इतनी अच्छे से कर दी, शेयर होल्डर भी खुश हैं, लॉयल भी हैं, इंप्लॉइज को भी सेटिस्फाई करती है, रेगुलरली डिविडेंड देती है, रेगुलरली बोनस इश्यू लाती है, हर चीज में शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं फायदे में रखती है, एंड यही वजह एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी की, समझ आ रहा है। तो वहां ये सारी बातें हमने गवर्नेंस वाले टॉपिक में पढ़नी है, जो कि कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, क्लियर। और यही नहीं, और इसमें वैसे ही बता रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं दिया आपके 50 नंबर के टॉपिक में कि हाँ प्राइमरी देखा जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कराने की रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऊपर है, कि हाँ एक कंपनी का बोर्ड जितना स्ट्रॉन्ग, मैंने सारी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बोली, कि एक कंपनी का बोर्ड जितना पावरफुल है, जितना स्ट्रांग है, उतने अच्छे से ही हम बोलते हैं कि हाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स कॉम्प्लाई हो रहे हैं। बट आपके आईसीएस ने यह भी दिया हुआ है कि सिर्फ बोर्ड की ड्यूटी नहीं होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके देना, इनका भी रोल होता है, शेयर होल्डर्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, और एक्चुअली में होता है क्या इंडिया में एक टर्म बोलते हैं, ये आपके पेपर में बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। क्या मतलब? पहले नहीं, अभी भी ऐसा होता है। हाँ आप ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल, ये भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब जैसे अब मैं बताता हूँ क्या होता है, हाँ बिल्कुल, यही शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब ही यही होता है कि हाउ एक्टिवली द शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा ऑब्वियसली वो डे टू डे अफेयर्स में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जब भी जनरल मीटिंग्स होती हैं या जब भी उनकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट आती है ईजीएम पे या एजीएम पे, सब पड़ा हुआ है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग एनुअल, तो जब भी उनकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट आती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाते हैं, या उनमें से किसी एक शेयरहोल्डर के साथ भी गलत हो रहा है तो कलेक्टिवली यूनिफाइड वे में अप्रोच करते हैं, जो आप पढ़ते नहीं थे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, लेकिन कोई वो ना किताबी बातें सारी है, सिर्फ बुकिश चीजें, असली में कोई कुछ ना करता। कंपनी शेयरहोल्डर के साथ माइनॉरिटी के साथ गलत कर भी रही है, मेजोरिटी शेयरहोल्डर, एक टॉपिक पढ़ते थे ना मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, केस पढ़ते थे, उसका नाम क्या था, क्या हुआ फॉस वर्सेस हार्ट बोर्ड है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही पूछ लिया कोई काम नहीं था उसका, मतलब अच्छा है आप याद रखा करो सारी चीजें, टिप्स पे होनी चाहिए कंपनी लॉ के। तो फॉस वर्सेस हार्ट बोर्ड बड़ा फेमस केस था, मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, उसमें भी यही था कि मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी के साथ गलत कर रही है तो ऑपरेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, बट कोई नहीं लगाता, जिसके साथ गलत हो रहा है वो खुद ध्यान नहीं देता। कोई इंडिया में शेयर होल्डर एक्टिविज्म वेरी पुअर, इट इज मतलब इंडिया इज वन सच कंट्री जहां पे बहुत पुअर है, बाकी देशों में फिर भी ठीक है, बट इंडिया में हद से ज्यादा पुअर है, क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया में शेयर होल्डर पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वे जनरल मीटिंग के नोटिस आते हैं जाते नहीं जनरल मीटिंग में। एक्चुअल डेटा बता रहा हूं आपको लास्ट, क्योंकि हमारे कोई क्लाइंट्स होते तो बताते रहते हैं। एक कंपनी लिस्टेड कंपनी थी, उसकी एजीएम हो रही थी, उस लिस्टेड कंपनी के मोर देन 3 लाख मेंबर्स थे, एजीएम के अंदर कितने लोग आए कुछ अंदाजा, 20 लोग, मतलब मोर देन 3 लाख मेंबर्स आर द मेंबर्स आर देयर इन दैट कंपनी, 3 लाख। और ऐसा नहीं कि बोर्ड जनरल मीटिंग में दिल्ली में ही हो रही थी, कोई और जगह पे भी नहीं होती, और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स रहते थे, फिर भी आए कितने मीटिंग में, 20, और 20 ने भी आके पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़े बहुत खाने पीने वाले भी थे, आगे अपना निकल के काम हो गया, हाँ होते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ प्रॉक्सी होंगे, 20 में से भी जो इफेक्टिवली वोटिंग हॉल के अंदर मौजूद थे 12, ये हाल था। मतलब सोचे तो इंडिया में शेयर होल्डर एक्टिविज्म का एक अलग लेवल है, कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो कहते हैं यार हम हमारी कंट्री के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारा वोटर टर्नआउट परसेंटेज आप देखा करो, मतलब हमारा वोटर टर्नआउट परसेंटेज
50-60% भी आ जाता ना, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ इस बार हमारे लोकसभा के इलेक्शन में 60% पॉपुलेशन ने वोट किया। भाई 100% होना चाहिए ये तो, क्योंकि राइट टू वोट इट इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज अ ड्यूटी ऑल्सो, कि आपका आपका अधिकार भी है साथ में आपका कर्तव्य भी है। बट हाँ, इंडिया में जब जो सरकार कौन चुन रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कह रहे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, आप मेरे को वोट देना है, मेरे को कोई मतलब नहीं, जिसको मर्जी करना है कर लो, मेरे को अपने प्रॉफिट कमाने हैं, मैं अपना तुम्हारा शेयर सस्ते में खरीदूंगा महंगे में बेचूंगा, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बट हाँ, मैं मतलब, और ऐसा नहीं कि हमारी अप्रोच ऐसी नहीं, मैं खुद भी ऐसी करता हूँ। अच्छा, जैसे हम, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने भी कितनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ, जनरल मीटिंग के नोटिस आते हैं, नहीं करते पार्टिसिपेट। इनफैक्ट आज की डेट में तो ई वोटिंग का कंसेप्ट आ गया कि वोटिंग एट योर डोरस्टेप, कहीं नहीं जाना भाई, अब तो मतलब आलसी बंदों के लिए ये भी निकाल दिया कि बेड पे लेटे लेटे कर दो, एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसको ओपन मतलब लिंक दे देंगे, ओपन करो, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, बस यस और नो पे टिक करना है अपने फोन से कि हाँ वेदर यू आर इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन और यू आर अगेंस्ट इट। वो भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मतलब बार बार ऐसा नहीं है कि मतलब गलत कर रहे हैं हम काम, बट हाँ लीगली हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बट हाँ एथिकली गलत है, शेयर होल्डर्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है यार क्या है छोड़ना, कौन ध्यान देगा कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, मतलब मेरा तो ऑब्जेक्टिव वाला होता, मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जोड़ता हूँ तो इसलिए मेरे को इतना ध्यान नहीं देना होता, बट स्टिल गलत गलत है। तो हाँ, यही आईसीएस ने भी बोला हुआ आपके इस कोर्स करिकुलम में कि सिर्फ इनके ऊपर ड्यूटी मत डालो कि इन्हीं की जिम्मेदारी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कराना। अच्छा, एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर जितने ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, हर छोटे छोटे काम के लिए मैनेजमेंट को टोक देते हो या हर काम में पार्टिसिपेट करते हो, ये अपने आप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अच्छी बात है, क्योंकि आप एक्टिव हो जाओगे तो अपने आप इनको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो अपने आप डायरेक्टर कहेंगे यार दे हैव टू रिमेन ऑन देयर टोस कि हाँ हमें कुछ गलत नहीं करना उनके साथ, क्योंकि यार ये तो पंगे कर देते हैं, हल्का सा भी कुछ गलत कर दिया। जैसे वर्कर होते हैं जो लेबर यूनियन वाले होते हैं, वो होते हैं बिल्कुल अपनी राइट्स को लेकर बिल्कुल प्रोएक्टिव कि हमारे हमारे पूरी यूनियन है 5 लाख वर्कर्स की यूनियन, एक के साथ भी कुछ गलत हो गया सारे मिल जाते हैं। अब ऐसा होना चाहिए कि भैया हाँ, और तभी देखा होगा मैनेजमेंट इतना डरती है ट्रेड यूनियन से कि वर्कर्स की यूनियन कुछ भी कर दो पर वर्कर को सर पे चढ़ा के रखना पड़ता है, उनकी सारी डिमांड्स हाँ पूरी करेंगे, गलती से वो स्ट्राइक पे चले गए भैया एक हफ्ते तक हमारा काम रुक जाएगा। तो यही आईसीएसआई ने भी यह बात बोली है कि हाँ शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब गवर्नेंस वाले टॉपिक के अंदर हमने ये सारी बातें पढ़ ली, क्लियर, और 50 मार्क्स की उसकी एलोकेशन दी हुई है। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट, इसको कितने मार्क्स है, 20। रिस्क, अच्छा इसमें क्या नाम से पता लग रहा है, तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई मुश्किल चीज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि बिल्कुल किस तरीके के रिस्क को, हाँ बिल्कुल यही मैं को लगा कि जैसे कई बार बच्चे पता मतलब ये दिमाग में नोशन ना बना ले कि रिस्क मैनेजमेंट कि अर्थक्वेक आने वाला है उसको बजट मैनेज करना, फ्लड आने वाला है उसको, मतलब शुक्र है तुमने आंसर नहीं दिया, मतलब हाँ कुछ कुछ बोल देते हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ा था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क को मैनेज कर मतलब अपने रिस्क को मैनेज करना, ये इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है 20 मार्क्स में, बड़ा आसान सा कोई ज्यादा टफ नहीं है बट हाँ इंटरेस्टिंग है। और किस तरीके के रिस्क को, बिजनेस रिस्क, और किस तरीके, अच्छा ऐसा कुछ एग्जांपल किस तरीके का बिजनेस रिस्क, बिल्कुल एकदम हो सकता है, जैसे इसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें भी आ सकती हैं जो आप शायद सोच ना पा रहे हो, कुछ ऐसा रिस्क जैसे कि कोई हम कोई ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये जिस भी सेक्टर में है इसकी कंपनी की मैनेजमेंट को लग रहा है कि यार हम जिस सेक्टर में हैं अभी तक हमारी मोनोपोली थी और मान लो कोई इनोवेशन करी थी इन्होंने और उस सेक्टर में देवर द ओनली वन हु आर प्रेजेंट इन दिस सेक्टर और इन्हीं की एक तरीके की मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे, बट अब इस कंपनी की मैनेजमेंट को लग रहा है कि हमारे छोटे मोटे ही सही बट कुछ कुछ राइवल्स बन रहे हैं और कुछ कुछ छोटे लेवल की कंपनियां बी लिमिटेड सी लिमिटेड डी लिमिटेड, हाँ ऑल्दो हमारे लेवल पे नहीं आई है वो, हम बहुत बड़े लेवल पे हैं, हमारा मिला के मार्केट शेयर 80% है, उन सबका 4-5 चुनने मुन्ने प्लेयर का मिला के 20% है, बट स्टिल ये एक डर की बात है और ये एक रिस्क की तरह उनको दिख रहा है, तो इट इज ऑल्सो रिस्क, इस तरीके के रिस्क की बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस रिस्क, लॉस ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ कस्टमर्स, एंट्री ऑफ न्यू राइवल्स इन द मार्केट,
ये भी बिजनेस रिस्क होते हैं, क्या इनके आने की वजह से हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, या मार्केट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होने वाली है, या हमारी कंपनी के अंदर लेबर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, वर्कर्स स्ट्राइक पे ना चले जाएं, हड़ताल ना कर दें, आग वाग ना लगा दें फैक्ट्री में, ट्रेड यूनियन कुछ वो पंगे ना कर दें कंपनी के अंदर। तो ये सारे रिस्क को मैनेज करना, कि पहले सबसे पहली बात इनको फोर्सी करना, पहले देखना कि इस तरीके का कोई रिस्क हम फेस भी कर रहे हैं या नहीं। तो इसके पूरे जब 20 नंबर में पढ़ना ही है, ये सब तो पढ़ना है कि स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, पहले रिस्क को फोर्सी करते हैं कि हाँ क्या रिस्क हम फेस कर सकते हैं, फिर उसके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम पे लग रहा है, फिर उसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा एक चीज आप बार बार बोलते हैं, एक बहुत फेमस लाइन है आपने सुनी भी होगी, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड। सिंपल और बिल्कुल स्टैंडर्ड और बड़ा आसान सी बात है कि हाँ रिस्क कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी चीज में। आप कोई ये नहीं कि बिजनेस रिस्क, इन एनी केस आप जनरल लाइफ में उठा के देख लो, कोई भी चीज में हम हर चीज में रिस्क है। आप यहां से घर जाओगे मेट्रो में या जैसे भी जा रहे हो, कुछ हो गया, आग लगी, कुछ भी, ऑब्वियसली ऐसा भगवान ना करे ऐसा ना हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हाँ कौन रोक लेगा, हर चीज में रिस्क है। अब यहां बैठो ये टूट जाए बिल्डिंग, हम मैं भी मेरे पे भी आ जाए, सब गिर जाए, कुछ नहीं पता, बट हाँ अब इसको हम एवरीथिंग इन्वॉल्व रिस्क। सिमिलरली बिजनेस में तो बिजनेस तो भरा पड़ा रिस्क से, तो रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कभी भी इनको जीरो लेवल पे नहीं ला सकते आप, बट कोशिश यही रहती है कि दे शुड बी मिनिमाइज्ड, जितना कम से कम हम रिस्क लें वो अच्छी बात है। अच्छा टू व्हीलर चलाते हो, मोटर बाइक या कोई भी टू व्हीलर चलाते हो, वी वेयर हेलमेट, लॉ की रिकमेंड भी होती है और अपने लिए भी पहनते हैं, तो क्या हेलमेट पहनने से अच्छा वो प्रॉब्लम, आपको वरदान मिल गया, कोई कवच मिल गया, हेलमेट पहन लिया अब तू सेफ है आराम से चला, बट रिस्क तब भी है, एक्सीडेंट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं तब भी आपको लगे, बट आपने एक बहुत सेंसिटिव पार्ट जो आपके बॉडी का है, जो हेड है आपका माइंड अंदर जो है ब्रेन है, उसको आपने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लिया। बॉडी पे लग जाए वो अलग बात है, वो वहां पे तो लगेगी, बट आपने जो सर पे लगी फिर तो बंदा ही खत्म है सीधा, तो इसलिए उस पार्ट को आपने प्रोटेक्ट कर लिया, एक तरीके का आपने अपने आपको हेज कर लिया। तो रिस्क आप एलिमिनेट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट मिनिमाइजिंग द रिस्क। सिमिलरली एक और लाइन बोलते हैं बड़ी फेमस, जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट लाइन में कॉमन है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सुनी होगी कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्या मतलब? बिल्कुल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो अपने आप, मान लो 10 लाख रुपए यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आप 10 लाख रुपए लगाने वाले, तो बहुत, और ये लोग करते नहीं है दिस डाइवर्सिफिकेशन, करते ही नहीं है, क्यों, वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर चुन लेते हैं, जैसे उन्होंने चुन लिया आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी और भी हैं, तो माइंडट्री। अब वो क्या करते हैं कि एक ही सेक्टर की कंपनी के अंदर ही सारे पैसे लगा देंगे, 10 लाख, यहां कभी कुछ कुछ तो ऐसे भी करते हैं कि 10 लाख के 10 लाख इंफोसिस में ही लगा दिए, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 10 लाख में से 5 लाख इंफोसिस में लगा दिए, 2.5 लाख एचसीएल टेक में लगा दिए और 2.5 लाख विप्रो में लगा दिए। देखा जाए आपने ये भी कर दिया कि सारे जो पैसे हैं वो आपने एक ही सेक्टर की कंपनी में लगा दिए, क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट करी आपने? नो, अब ये आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी आपने। हाँ कोई और आपकी स्पेसिफिक वजह थी कि आपको अंदर की खबर थी कुछ कि हाँ आईटी सेक्टर में कुछ होने वाला है, तो अलग बात है, बट ये एक साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज यू हैव, मतलब आपने सारे एक्स को एक ही बास्केट में डाल दिया, उस वे में बोले तो, कि एक ही सेक्टर के अंदर क्यों पैसा लगा दिया? अच्छा क्योंकि आप स्टॉक मार्केट को जानना शुरू करना, आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो ज्यादा आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ नीड ऑफ दिस प्रोफेशन, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। तो अब एक चीज पता होगी, अगर एक सेक्टर को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स के ऊपर वो असर पड़ेगा, सारे आईटी सेक्टर को लेकर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ गई, ऐसा नहीं होगी टीसीएस के ऊपर असर आया और इंफोसिस पे नहीं आया, सब पे आएगा, टीसीएस पे कम ज्यादा वो अलग बात है, बट एवरी वन विल गेट अफेक्टेड इन वन वे और दी अदर, आईसी वो टीसीएस पे भी असर आएगा, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, सब पे आएगा, बट अगर आपने स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करी होती, आपने यही 10 लाख रुपए ऐसे करे होते कि 2.5-2.5 लाख करके चार जगह 2.5 लाख रुपए किसी आईटी सेक्टर की कंपनी में, वो भी आईटी सेक्टर में भी डिवाइड कर लो, जैसे 2.5 लाख रुपए आईटी सेक्टर, फिर 2.5 लाख में से 1.25 लाख, 1,25,000, 1,25,000 कुछ विप्रो में, कुछ टीसीएस में,
ठीक है, 2.5 लाख रुपए ऐसे लगाए, फिर अगले 2.5 लाख फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगाऊंगा। फार्मास्यूटिकल में भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 लाख एक कंपनी में, 1.5 लाख दूसरी कंपनी में, 2.5 लाख एक, जैसे फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनी आपकी सिप्ला, आपकी सन फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा, बहुत सारी ऐसे करके करते हर सेक्टर में कुछ कुछ लगा दिया। फिर कुछ कुछ टायर सेक्टर, टायर में बड़ी बड़ी कंपनी, जेके टायर, अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, सीएट टायर्स, हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, आपने आपने जो कोटेशन है उसको कॉम्प्लाई किया कि डोंट पुट ऑल एक्स इन वन बास्केट, आपने डाले भी नहीं, हमने अलग अलग जगह लगा दिया। अब कल को आईटी सेक्टर को लेके बहुत नेगेटिव न्यूज भी आ जाए तो ठीक है, आपके वो आईटी स्टॉक्स जो हैं 2.5 लाख रुपए वाले उन पे, उनके अंदर हलचल होगी, बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे। टायर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीमेंट कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये तभी हो पाया ना जब आपने डायवर्सिफिकेशन करी हो। लेकिन क्या डायवर्सिफिकेशन करने से क्या कोई गारंटी है कि आपको लॉस नहीं होगा? फिर वही बात, रिस्क एलिमिनेट हो गया? नो, बट आपने अपना रिस्क बचा लिया। तो हमेशा ही बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जब हम पढ़ेंगे भी तो यही बात बार बार आएगी, रिस्क कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड, इट कैन नेवर बी एलिमिनेट। और ये बड़े फेमस क्वेश्चन भी है कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कितने एग्जांपल बन सकते हैं इसके ऊपर, तो आप अपने आप ही बना के लिख लोगे। क्लियर? तो ये हमने रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर पढ़ना। फिर आता है हमारा अगला कौन सा था, कॉम्प्लायंसेस। ये कितने मार्क्स का? अगेन 20 मार्क्स। ये तो ये याद करना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको, कि हर पेपर में कुछ आधा 20 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का, ये हर, ये नए सिलेबस में इन्होंने हर चीज को क्लासिफाई कर दिया कि ये इतने मार्क्स का, ये उतने मार्क्स का, पहले ऐसा नहीं था। अच्छी अप्रोच भी है देखा जाए तो, बट स्टिल। अच्छा इस, ये क्या है, ये तो आपका नाम ही यही होता है कॉम्प्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी को ही तो बोला जाता है कॉम्प्लायंस ऑफिसर, तो ये तो करानी ही आपने। अच्छा इसको इसी से लिंक करो रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बताया अलग अलग तरीके के रिस्क यहां पे कवर हो रहे हैं। अच्छा एक रिस्क नॉन कॉम्प्लायंस का भी होता है, रिस्क ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, कि आपने लॉ कॉम्प्लाय नहीं किया, लॉ कॉम्प्लाय नहीं किया तो क्या रिस्क आप फेस कर सकते हो? पेनल्टीज लगेंगी, मॉनेटरी टर्म्स में भी लगेंगी, इमेज का मॉनेटरी से ज्यादा हार्मफुल ये होते हैं कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी, हो सकता है आपकी कंपनी के फेमस फेमस लोगों को इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जेल जाना पड़ जाए, और आके गला आप ही का पकड़ेंगे वो कि बेटा तेरी जिम्मेदारी थी लॉ कॉम्प्लाय करवाने की, तूने नहीं करवाया, तेरे चक्कर में हमें फम फंस रहे हैं। ऑब्वियसली लॉ की कॉम्प्लाय, हाँ उनकी गलती है तो अलग बात है, विजय माल्या साहब जैसे उन्होंने कोई पंगे पुंगे करो, विलफुल डिफॉल्टर हो, तो वो तो ऑब्वियसली उन्हीं की गलती है। बट हाँ कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों ने कुछ गलती करी है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी थी, उसकी वजह से आपको तो जाना पड़ ही सकता है जेल। ये याद रखना आपका प्रोफेशन ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना आपको पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी तो लगती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पड़ा था, आप भी उसमें सारे केएमपी कवर्ड होते हैं, केएमपी में आप भी कवर्ड होते, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ गए, अभी तो रट्टे मार के आप निकाल देते हो, एवरी ऑफिसर कोई इन केस कंपनी फेल्स टू कॉम्प्लाई विद दिस सेक्शन, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू दिस। ये भी देखो, ये हम भी हो सकते हैं इसमें, फिर याद करना जेल में बैठे बैठे लाइन कि अच्छा इसमें मैं भी आता था। तो ये अभी हम इन पे ध्यान नहीं देते, बट एक हल्की सी चूक हो जाए तभी, एक आपने टर्म सुनी हो पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नहीं कभी सुने? हमारे कॉन्टेक्स्ट की बात करो, सीएसके प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कभी नहीं सुना? बहुत फेमस चीज हो चुकी है ये, अभी अभी अच्छा मतलब अभी नहीं सुना, कोई हर्ज नहीं है। जैसी सीएस बनोगे ना, सीएस बनने के 3 दिन के अंदर ये टर्म ना सुनी तो मेरा नाम बदल देना, अपने आप उसकी वजह बताता हूं अभी क्यों। प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस अपने आप सुन लोगे, अच्छा नाम से कुछ पता लग रहा है, प्रोफेशनल लाइबिलिटी ये इंश्योरेंस मॉडल है जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन जो प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए स्पेशली ये अच्छा इंश्योरेंस कंपनीज का काम ही क्या है, नए नए इंश्योरेंस मॉडल लाना कि जिस भी तरीके से भैया बकरे को फंसाओ, इंश्योरेंस उसको, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो डर से चलता है, सीधी सी बात है, जिस बिजनेस में डर इन्वॉल्व हो वो बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं जा सकता, पहली बार, क्योंकि वो उसका वो डर हट ही नहीं सकता बंदे का, और डर इंश्योरेंस बिजनेस चलता ही डर के बेसिस पे है।
अच्छा आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, क्यों? डर लगता है ना मन में कि, और कोई गलत भी नहीं है कि हाँ कल को हमें कुछ भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल इंश्योरेंस कराई हुई है कि हर महीने कुछ कुछ 500-500 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं, कभी मैं बीमार पड़ गया तो 10-12 लाख रुपए एक कंपनी मेरे को दे देगी मेरी बीमारी के लिए। डर है तभी तो करवाया। लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? डर है कि हमारे जाने के घर वालों का क्या होगा, पीछे उनके पास पैसे रहेंगे नहीं, क्योंकि डर के, और जहां डर है वहां इंश्योरेंस कंपनी अभी आ जाएंगी। हाँ हमारे, आपको डर लग रहा है ना, हमारे पास 10 पॉलिसी आपके डर को हटाने के लिए, अभी आप हमारे पास आओ तो सही। अब आप लोगों को क्या डर होगा सीएसीएस बनने के बाद, यही जो मैंने अभी बोला, कुछ ऊपर नीचे आपने हेराफेरी कर दी, मतलब एक तो था इंटेंशनली आपने कोई पंगा कर दिया, तब तो ये इंश्योरेंस भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि अनइंटेंशनली आपसे कुछ गलती होगी, गलती इन द सेंस कि कोई रिक्वायरमेंट थी जो लॉ कॉम्प्लाई कराना था, भूल गए आप, अब पेपर में कोई आंसर गलत लिख दिया, वहां पे तो सीधा जैसे कोई चीज आपसे पूछी यहाँ इसके प्रोविजन बताओ, आप कहोगे हाँ नहीं याद आ रहे, क्या उखाड़ दोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर काट लोगे ना, ठीक है काट लो, वहां पे ये एक्सक्यूज दे नहीं सकते आप कंपनी के लेवल पे जाके, वहां पे ये कोई आपने कोई प्रोविजन कॉम्प्लाई नहीं कराया, वहां पे 5 नंबर नहीं कटेंगे, वहां पे 5 साल कटेंगे जिंदगी के, तो वहां सीधा जेल होगी, वहां पे कोई नहीं पूछने वाला आपसे। अब ये बोलोगे हमें भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा प्रोविजन, एक एक प्रोविजन को इतना ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हाँ एक एक एक्ट के एक एक सेक्शन को, और ये सोचे देखो अभी तो आपने सिर्फ कंपनी जेट में इतनी हालत खराब हो जाती है हमारी, इतने सारे ऐसे लॉ हैं जिनके आपने नाम तक नहीं सुने, वो भी आपको कंप्लाई कराने होते हैं कंपनी में जाके। एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके ऑफिस के अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है ना, आप उसका अलग नॉर्म्स होते हैं और हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, एक दिल्ली में एक्ट है दिल्ली लिफ्ट एक्ट, उसके नॉर्म्स होते हैं और उसके नॉर्म्स के अंदर बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको कंप्लाई करनी है, तो इतने इतने एक्ट बने हुए हैं, तो सुना भी नहीं होगा आपने दिल्ली लिफ्ट एक्ट, भैया लिफ्ट लगी हुई है कंपनी के अंदर, उसको लिफ्ट सही से चल रही है, उसके अंदर हर टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और बीच में खराब नहीं हो रही, उसकी रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉम्प्लायंस, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी कि हाँ आपको ये काम तो हमने नहीं सुने सर कि कंपनी सेक्रेटरी करता है, मेरा मतलब कि कोई फॉर्म फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है कि दिल्ली लिफ्ट एक्ट के अंदर भी बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं कि हाँ क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आएगी, कुछ रह गया कोई इतने 1000 लॉज में से कोई एक लॉ का कोई एक सेक्शन आपके दिमाग से निकल गया, ठीक है, और मान लो वो उस सेक्शन की नॉन कॉम्प्लायंस की पेनल्टी थी हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5 लाख रुपए, आ जाएगा सीधा नोटिस आपके घर, हाँ जी जो भी आपका नाम है श्री श्रीमती मिस्टर मिस 5 लाख रुपए निकालो, आपने गलती करी है और इस सेक्शन की नॉन कॉम्प्लायंस करी है, कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अपना जवाब देना चाहोगे कुछ आपने क्यों करा, कुछ सीधा आपने गलती करी है, एक तरीके का नोटिस सर्व हो गया आपको कि हाँ भाई पेनल्टी दो, वरना फिर लगे रहना कंपाउंडिंग कराने में कि हाँ माफ कर दो ये वो। एनीवे अब और ऐसे केस होते रहेंगे आपके साथ डेली, और मन में डर तो रहेगा कि यार मैंने अपनी तरफ से सारी कॉम्प्लेंस कराई है फिर भी कुछ कमी तो नहीं रहेगी, कितना चेक कर लोगे आप। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज को लगा कि हाँ ये सीएसीएस लोग जो है इनके में ये डर तो रहता है कि हाँ कोई कॉम्प्लेंस अधूरी रह गई तो क्या होगा, आ गए वो लोग बीच में। ये मॉडल इतना पॉपुलर हो गया PLI, इंश्योर आप जैसी सीएस बनोगे सबसे पहली चीज आप ये लोगे PLI, आप किसी इंश्योरेंस और हर इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है महीने के 500-500 रुपए दो और 500-500 और आप जैसे सारे कंपनी सेक्रेटरीज दे रहे होंगे, आप जैसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे प्रोफेशनल लोग दे रहे होंगे, तो उस इंश्योरेंस कंपनी का अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा जो रेगुलरली प्रीमियम की फॉर्म में आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कभी भी हमारे भाई बंधु जो इसमें जुड़े हुए हैं उनमें से किसी ने कोई ऐसा अनइंटेंशनल करा है गड़बड़ तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी कि आपने जान पूछे कुछ फ्रॉड कर दिया, पर पहले खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी और फिर आ रहे हो मांगने इंश्योरेंस, तब थोड़ी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं देते हैं, पता होगा सुसाइड करने में कुछ नहीं मिलता, आपको कोई बीमारी हो जाए तब मिलता है। चलो तो जब कोई दिक्कत आपने खुद ही कुछ पंगा कर दिया तब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। सिमिलरली अब आपने अनइंटेंशनली कोई डिफॉल्ट कर दिया, अब 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, अब हो गया नहीं तो मेरी सैलरी नहीं है, पूरे मेरा साल का पैकेज है 5 लाख रुपए का, तो मैं इतने कहा, अब और स्टार्टिंग में तो इतना ही मिलेगा आपको, साल का पूरा पैकेज होगा, मतलब शुरुआती दौर में ही आपने ये फेस कर ली दिक्कत, कहां से लाओगे 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है बैठे हैं ना प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वाले, तो ये देंगे आपको कि हाँ आप क्योंकि रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहे थे, देयरफॉर इंश्योरेंस का काम ही क्या होता है कि आप प्रीमियम पे करो, जब भी रिस्क आएगा हमारी जिम्मेदारी आपके टू मेक गुड योर लॉस,
तो वही बात है कि यहाँ पे आपका 5 लाख रुपए अब ये इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो हाँ, तो ये मतलब मैं ऐसी प्रैक्टिकल वे समझा रहा हूँ कि हाँ, इस प्रोफेशन को थोड़ा ज्यादा, अभी भी आप लेते हो नो डाउट सीरियसली, बट थोड़ा ज्यादा सीरियसली इसको लेना शुरू कर दो, क्योंकि इक्की दुक्की चीज ऊपर नीचे हो गई, वो इक्के दुक्के पता नहीं कहाँ कितने बन के आपकी जिंदगी में परेशान करेंगे आपको। नहीं तो ये कॉम्प्लायंसेस वाला पार्ट जो था, अब ये भी इसके अंदर है कि कॉम्प्लायंस कैसे करा के देनी है, और जाहिर सी बात है ये तो जब कंपनी सेक्रेटरी को कहती है कॉम्प्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट लाइज ऑन अवर शोल्डर, तो हम ही करा के देंगे। तो इसलिए ये भी हमारे 20 मार्क्स में है, और पूरा डिटेल में देखने की कॉम्प्लायंस कैसे करा के देता है कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या चीजें फॉलो करता है, बहुत अच्छा और अच्छा टॉपिक है ये कॉम्प्लायंस वाला, मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। लास्ट में क्या था, एथिक्स, ये बेचारा 10 मार्क्स में ही है। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा सा भी एथिक्स के बारे में बता भी रहा था, फिर भी क्या होते हैं एथिक्स? एथिक्स वो जनरली हम इंटरचेंजेबल यूज करते हैं मॉरल्स के साथ, मॉरल्स, वैल्यूज, कैरेक्टर, बंदे की नीयत कैसी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वाइज कैसा है, मॉरली कैसा है, वैल्यू कैसे है उसके, कल्चरली कैसा है, इन सब चीजों को। अच्छा, दो चीजों में फर्क है, कोई चीज का लीगल होना, कोई चीज का एथिकल होना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द, बिल्कुल है, कोई चीज लीगली अलग एंगल से होती है और एथिकली अलग एंगल से होती है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज लीगली ठीक हो, एथिकली गलत हो, बहुत बार ऐसे भी सकते हैं कोई चीज लीगली गलत हो, एथिकली ठीक हो, बहुत बार, जैसे कुछ एग्जांपल दो कि कोई चीज लीगली ठीक है बट एथिकली गलत है, ऑब्वियसली। और ये याद रखना कि एथिक्स को लेके कभी भी एक स्टैंडर्ड ओपिनियन नहीं आप बना पाओगे, हो सकता है मेरे लिए कोई चीज एथिकल है, आपके लिए हो सकता है वही चीज अनएथिकल है, तो ये भी है कोई, ये लॉ से इसलिए अलग होते हैं एथिक्स, क्योंकि लॉ, अच्छा मेरे लिए, ऐसा मैं बोलूंगा कि मेरे लिए मर्डर करना लीगल है, तुम्हारे लिए मर्डर करना इलीगल है, या सबके लिए लीगल है, क्योंकि वो लॉ है, वो कानून, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन बता रहा हूं कि मर्डर करना इज अ क्राइम, इट इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर लॉ। लॉ में ऐसा बोलते हैं कि हाँ वो स्टैंडर्ड रहेगा हर एक के लिए, बट एथिक्स इट वेरीज, हो सकता है मेरे लिए एथिकली कोई चीज बिल्कुल गलत है, आप कह रहे हो यार इसमें क्या गलत है सर, बिल्कुल ठीक है, चोरी करना, मैं जो बंदा नहीं करता चोरी, चोरी करना गलत है, चोर कहेगा मेरे से पूछो, मैं फाइनेंशियली पुअर हूं, मेरे से जिया नहीं जाता, उसकी बात समझेंगे तो क्या पता हमें भी लगे कि ठीक है चोरी करना यार, बंदा भूखा बैठा था चोरी करनी तो क्या कर दिया, तो कुछ नहीं। अब जैसे कोई चीज लीगली ठीक है बट एथिकली गलत है, जैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जैसे मैं पर्सनली नॉनवेजिटेरियन नहीं हूं, तो मेरे लिए बहुत गलत लगता है मुझे कि यार अपने टेस्ट के लिए किसी जानवर को मारना या किसी एनिमल्स या बर्ड्स को किल करना ऑब्वियसली गलत है, बट किसी के लिए हो सकता नहीं हो, जो खाता हूं यार क्या दिक्कत है, हम कौन सा कोई कह रहे हैं कि हाँ सही गलत की डिबेट कर ही रहे, क्योंकि ये चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, किसी के मॉरल्स कुछ हैं, किसी के वैल्यूज, एथिक्स, कैरेक्टर कुछ और है, तो वो अपने आप में बंदा सही भी है, अपने आप में वो बंदा गलत भी है, अपने नजरिए से देखो तो सही हो आप, दूसरे के एंगल से हो सकता है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो अच्छा, अब नॉनवेज खाना इलीगल है, बर्ड्स वगैरह को मारना ये गलत इलीगल नहीं है, क्या भाई वो एनिमल्स वगैरह की स्लॉटरिंग करना, ऐसा तो स्लॉटर हाउसेस ना होते, लेकिन बड़े देशों में है ऐसा कि वो इलीगल है, बट इंडिया में इट इज परफेक्टली लीगल, बट हाँ एथिकल वाइज वो किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थिंग विच माइट बी लीगली करेक्ट बट एथिकली इनकरेक्ट। ऐसी अच्छा, ये भी बड़े देशों में है, एबॉर्शन करवाना, जब फीमेल्स एबॉर्शन करवा लेती अपना, तो इंडिया में भी अलग है और हर स्टेट, हर कंट्री का अलग लॉ है, कोई कोई देशों में तो ये हैवी क्राइम, क्या एबॉर्शन आप करा ही नहीं सकते, कि वो किसी की जान को आपने पैदा होने से पहले उसको किल कर दिया, कोई कोई लोग इलीगल वैसे ही मानते हैं, बट और एथिकली भी कुछ कुछ गलत मानते हैं। अब लीगली है किसी कंट्री में गलत हो या ना हो, इंडिया में जैसे कुछ अलाउड ही है, यहां करवा सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म्स, बट इट इज लीगल। तो एबॉर्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ थिंग विच इज लीगली करेक्ट बट एथिकली इट माइट बी करेक्ट फॉर समवन, इट माइट बी इनकरेक्ट फॉर समवन, क्लियर। अच्छा, ऐसी कोई चीज लीगली गलत है एथिकली ठीक है, इसका कोई एग्जांपल कि लीगली गलत है बट एथिकली सही चीज करी आपने। अच्छा, जैसे आप
कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा आपने, और लेट से आपने उस बंदे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट आपको लगा कि नहीं मुझे बचाना चाहिए उसको, तो आप उसको बचाने के लिए बेचारा बहुत मरी हुई हालत में, आप उसको अपनी गाड़ी में पीछे बिठाया, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, बीच में आ गई रेड लाइट, अब आप कह रहे हो भैया उसको वो मरने वाला बंदा, मैं रेड लाइट पर रुकूंगा, तो आप फटाफट रेड लाइट को जंप कर गए। अच्छा, आपने ऑफेंस कर दिया, रेड लाइट जंप करना इट इज एन ऑफेंस एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट या ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, आपने वॉलेशन कुछ छोटे से छोटे लॉ का वॉलेशन वो चाहे, बट है तो इलीगल, पेनल्टी लगेगी, लॉ विल ट्रीट इट एज एन इनकरेक्ट थिंग, बट आपने एथिकली कुछ भी गलत किया। अब वो गया मैंने कोई अपने लिए थोड़ी किया है, या मैंने कोई शोक शोक में थोड़ी सिग्नल तोड़ दिया है, किसी की जान बचाने के लिए आई क्रॉस द सिग्नल, तो ये चीज ऐसी है जो एथिकली ठीक थी लीगली गलत थी। एक गुजारिश मूवी देखी ऋतिक रोशन की, उसमें यूथनेशिया का टॉपिक अगर आपको पता हो कि यूथनेशिया क्या होता है, कि जैसे उस मूवी में ऋतिक रोशन का दिखाया था कि वो ही इज कंप्लीटली ऑन बेड, कि वो हिल उठ भी नहीं सकता खुद से, हमेशा किसी के सपोर्ट की जरूरत है। अब ऐसे बंद जैसे अपने आप से खुद सुसाइड कर लेना, उसको बोलते हैं यूथनेशिया, कि खुद से आप सुसाइड कर रहे हो अपने आप को एक आराम देने के लिए, अपनी इच्छा से और अपनी सफरिंग को खत्म करने के लिए। उस मूवी में यही दिखाया था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो एथिकली ठीक है, क्योंकि ऐसी क्राइम मानते हैं लेकिन इंडिया में यूथनेशिया को, कि आप एक इतनी सुंदर जिंदगी है आपको मिली है उसको खुद तबाह कर रहे हो अपनी जान लेके, तो यू आर कमिटिंग अ क्राइम, कि गॉड ने आपको एक चीज गिफ्ट करी है और आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो सुसाइड करके, तो ये ऑफेंस है। हाँ वही मैं बोल रहा था, अभी ये लीगल हो गया, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% इसके ऊपर वो है, सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म्स, स्टिल कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगती है, बट हाँ बाय एंड लार्ज, वो तो मैं उस एंगल से समझाने की कोशिश करूँ कि आपको समझ आ जाए। हाँ अब लीगल हो चुका है, बट देखा जाए ये अभी मान लो इलीगल है तो, लेकिन एथिकली आप ये भी हो सकता है एथिकली कि कोई बंदा कहेगा यार ठीक कर रहा है वो बंदा, कोई कहेगा वो गलत कर रहा है, जो चीज वो बंदा झेल रहा है वो ऑब्वियसली सफर करना वही फील कर पाएगा जो वो सफर कर रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसी जिंदगी जीना, किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो आप, मतलब उठने के लिए भी आपको किसी का सहारा चाहिए और ना कुछ कर सकते हो, एक चार दीवारी में आपको बैठना है, तो ना हिल्स पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो दिक्कत आ रही है, वो अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। सेम मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ चीजें लीगली गलत है एथिकली ठीक है, एथिकली गलत है लीगली ठीक, बट हाँ तो ये हमेशा रखना एथिक्स की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं मिलेगी हर एक बंदे के लिए, एथिक्स सेम कभी नहीं मिलेंगे आपको, कुछ किसी के लिए कुछ गलत है किसी के लिए कुछ सही है, तो लेकिन हमने यहाँ पे ये वाले एथिक्स नहीं पढ़ने कि सिग्नल तोड़ दिया ये कर दिया, एनी एबॉर्शन कराना ठीक है कि नहीं है, ये सब हमें बिजनेस एथिक्स की बात करनी है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो कवर्ड है वो है बिजनेस एथिक्स, कि बिजनेस करते टाइम क्या क्या एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, और आर देयर एनी एथिक्स वी सपोज टू टेक केयर इन माइंड व्हाइल डूइंग बिजनेस। हाँ होते हैं, बिजनेस करते करते डेली बेसिस पे आपके सामने हजार चीजें आएंगी जो आपको खुद लग रहा होगा कि एथिकली गलत है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा, बहुत चीजें होती हैं, और खासकर आप लोगों के आपका जैसा प्रोफेशन है उसमें तो आपके सामने डेली हुआ करेगा। एक टर्म सुनी होगी इनसाइडर ट्रेडिंग, कि खुफिया अंदरूनी अंदर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे खुद आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई, बोलते अनसेंसिटिव और अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूपीएसआई। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपके लिए बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह के अलावा एक आप ही हो गए जिनको सारी यूपीएसआई जनरली पता होती है। अब सोचिए देखो आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है कि यार ये कंपनी के अंदर ये होने वाला है, ये कंपनी बायबैक अनाउंस करने वाली है, ये कंपनी का ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो आपको पता चल रहा है कि अगर अभी इस कंपनी का शेयर 2000 रुपए का चल रहा है मैं अभी खरीद लेता हूं, 3 महीने के अंदर यही 2000 का रेट 2900 रुपए पहुंच जाएगा, मैं 1000 शेयर खरीद लेता हूं 900 पर शेयर फायदा, 1000 शेयर 9 लाख रुपए कमा गया। तो देखा तो और आपके सामने, और ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत अंदर आगे लेवल की बात बता रहा हूं, बहुत जूनियर लेवल से आपके सामने ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा होगा कि यार कंपनी के अंदर ये होने वाला है, और दिख रहा होगा कि यार मेरी सैलरी इतनी नहीं है 9 लाख रुपए, पूरे साल का पैकेज मेरा 5-6 लाख रुपए का है, या 9 लाख रुपए मैं ऐसे ही कमा सकता हूं, एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, बट है तो गलत। अब ये तो इलीगल भी है और अनएथिकल भी है, तो बस अब किस तरीके, अब किसी के लिए हो सकता है एथिकल हो, यार मैं क्या गलत कर रहा हूं अब आगे बढ़ना है मुझे, मेरी सैलरी इतनी है, वही वाली बात कि चोर जो है वो भी चोरी करता, तो लॉजिक तो दे ही रहे ना
क्या मैं ये करना चाहता हूँ, मैं भूखा मरता हूँ, तुम्हें क्या पता। आप भी कहोगे 5 लाख रुपए में घर नहीं चलता, ये क्या बात होती है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन बॉस की डांट खाते हैं, 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं, यहाँ एक झटके में इतने पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना करें। तो हो सकता है आप अपने आप को मना लो कि हाँ ये एथिकली मैं ठीक कर रहा हूं, बट किसी के लिए गलत हो। तो ऐसे इश्यूज आप लोग, और खासकर बिजनेसमैन जो होते हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह डायरेक्टर्स लेवल पे होते हैं, वो डेली फेस करते हैं। और इनका एक नाम होता है पेपर में, बड़ा कॉमनली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा मतलब, अच्छा डिलेमा बोलो, डायलेमा बोलो, एक ही बात। डिलेमा मतलब क्या? हाँ, धर्म संकट, क्या बात है, हाँ दुविधा, धर्म संकट, कोई कंफ्यूज स्टेज में हो आप कि क्या करना चाहिए, अभी ये काम करूं या ना करूं। जैसे सीएस कोर्स करने से पहले आपने हो सकता 10 बार सोचो या मैं आऊं या ना आऊं, तो उस टाइम पे आप डिलेमा में हो कि वेदर आई शुड ज्वाइन। यू आर इवेल्यूएटिंग द प्रोस एंड कॉन्स, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कागज फाड़ रहे हो, ये करो हाँ करो, पन्नियों पर लिखो, मतलब उस पर लिख रहे हो प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट, सही क्या है, ये सैलरी होगी, होगा माइनस क्या है, बड़ा लंबा चलता है, फेल भी बहुत होते हैं, अटेम्प्ट बहुत लगते हैं, ये ट्रेनिंग इतनी लंबी लंबी है, लोग जाने ना जाने अलग बात है। तो इसको बोलते हैं डिलेमा। एथिकल डिलेमा मतलब कोई एथिकल, वही जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग करूं या ना करूं, ये जब तक आप उस स्टेज में हो और अपने मन से ही लड़े जा रहे हो कि हाँ यार ये गलत है, नहीं ये सही है, यहाँ एक आपका अंदर ही एक मन बोल रहा है ये गलत है, यार मैं गलत करूं फंस गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा और जेल में बैठूंगा, पीएलआई वाले भी नहीं बचाएंगे, तो मैं फंस जाऊंगा और मेरी डिग्री भी जाएगी, ये भी जाएगा, और आपको डर भी लग रहा है कि हाँ मैं कर तो गलत ही रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका तो रह गई, प्लस आपका अंदर ही मन में एक और बंदा आ रहा है, अबे यार कर ले, पैसे मिल रहे, एक बार करके भूल जाऊंगा, सिर्फ एक बार करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। तो इनको ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एथिकल डिलेमा या डायलेमा, क्या धर्म संकट या दुविधा में हो कि, और किस वो धर्म संकट और दुविधा किसको लेके है, एथिक्स को लेके, कि एथिकली मैं कैसा हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना, क्लियर। तो जैसे अगर आपने एक बड़ी अच्छी मूवी है मधुर भंडारकर की कॉर्पोरेट देखी, कॉर्पोरेट मधुर भंडारकर की मूवी तो अच्छी ही होती है, मतलब सोसाइटी एंगल के हिसाब से Phase 3 कॉर्पोरेट ऐसे लेवल से वो बनाते हैं। कॉर्पोरेट मूवी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें सारा जो आपने एग्जीक्यूटिव में कैपिटल मार्केट का पेपर पढ़ा ना, सारा उस मूवी के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ अच्छा इस तरीके से होता है काम, कॉर्पोरेट्स में कैसे काम चलता है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होती है, पब्लिक इशू कैसे लाती है कंपनी, क्या क्या बातों का ध्यान रखती है, बहुत अच्छे वे में दिखाया उस मूवी में। एट द सेम टाइम एथिकल इशू को भी टच किया है, उसमें क्या था एक कंपनी, उसमें पेप्सी और को राइवलरी दिखाई है कि दो लोग, दो कॉर्पोरेट जाइंट्स कैसे लड़ते हैं, एक रजत कपूर है और राज बब्बर, वो मतलब ये सिंबॉलिकली दिखाया कि एक पेप्सी कंपनी का मालिक है और एक कोक का मालिक है, अब वो दोनों आपस में एक दूसरे को बिजनेस राइवल्स हैं तो कैसे कम्पीट कर रहे हैं। अब किसी ने, एक कंपनी ने अपना वही कुछ भी मान लो पेप्सी ने अपना पब्लिक इशू अनाउंस करा हुआ है, उन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करी पहले और उसके बाद अपना पब्लिक इशू अनाउंस कर दिया और ये बोला कि पब्लिक इशू जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन हमारी ये सॉफ्ट ड्रिंक भी मार्केट में आएगी, और उससे पहले सैंपल्स निकाल दिए थे कि हाँ लोगों को बांट दिए और सबको बड़ी स्वाद लग रही है, और मूवी में दिखाते कि हाँ अच्छा वो जब वो सॉफ्ट ड्रिंक स्वाद लग रही है सैंपल के तौर पर, एक साल चलाया फ्री में देते रहे खर्चा करा, और अब पब्लिक इशू की डेट आ गई और अब पब्लिक इशू जिस दिन आ रहा है उसी दिन वो ड्रिंक भी लॉन्च हो रही है उनकी। अब उस मूवी में दिखाया कि जस्ट बिफोर 1 वीक और 2 वीक्स प्रायर टू पब्लिक इशू सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट आई कि उनकी ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड्स है और ये पाया गया कि वो ड्रिंक अनहाइजीनिक है और उसको पीने में एक कैंसर भी डेवलप हो सकता है। अब वो यही कह रहे हैं सारे, अब यार हमारा अब ऐसे तो होनी कि आप प्रोफेशनल लेवल पे आपको सब पता है पब्लिक इशू प्लान करने में कितना टाइम लगता है, मजाक थोड़ी है, कितने सालों की मेहनत है कि आपने उसके लिए सैंपल्स बांटे, उसके लिए कितना टाइम लगा, ICDR रेगुलेशंस कॉम्प्लाई करी और कितना चीज, ये सिर्फ बोलना कि हम पब्लिक इशू ला रहे हैं और एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना जमीन आसमान का फर्क है। 3-4 साल की आपकी मेहनत बस वो उस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से वो आपकी तहस नहस हो रही है। अब उसमें वो उस कंपनी के अंदर दिखाया कि कुछ कुछ लोग होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं कि सर हमें अपना पब्लिक इशू पोस्टपोन कर देना चाहिए, कोई बात नहीं हमने अनाउंस कर दिया कि इस दिन हमारा पब्लिक इशू खुलेगा, लेट अस डेफर इट, थोड़ा आगे खिसका देते हैं तब तक ये इंक्वायरी निपट जाए और हम सब चीजें ठीक कर देंगे, हम पेस्टिसाइड फ्री ड्रिंक बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब वो यही बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो सब कुछ ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, हमारी रेपुटेशन स्टेक पे है और प्लस हमने डेफर कर दिया तो हमारे राइवल्स ये ड्रिंक निकाल देंगे, उनको पता लग चुका है कि हमने अनाउंस कर दिया,
तो हम डेफर नहीं कर सकते. तो उसमें यही बड़े अच्छे से दिखाया कि अब वो एथिकल डायलेमा में है कि हाँ वेदर वी शुड लॉन्च दिस ड्रिंक और नॉट. और एंड में करते यही है, ड्रिंक लॉन्च कर देते. वो रजत कपूर उसमें है, वही कहता है भाड़ में जाए, कहता है ये हिंदुस्तान में वैसे भी लाखों लोग हैं जो ऐसी बेकार पानी पीते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. अब देखो कोई उस चीज को इस एंगल से सोच रहा है. और उसी मूवी में ये दिखाया कि उसके जो टॉप लेवल के बाकी लोग थे वो रिजाइन कर देते हैं. वो कहते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज अनएथिकल लग रही है. तो मतलब देखो एक सीन के अंदर ही 10 बातें कवर होगी, पब्लिक इशू, एथिकल बिहेवियर और दो कॉर्पोरेट जेंट्स की लड़ाई कैसे होती है, पेप्सी को. मतलब इस लेवल पे अच्छी मूवीज होती है, मधुर भंडारकर की मूवीज जनरली होती भी ऐसी. एनीवे तो आप इन चीजों को क्या बोलते हैं, एथिकल डिलेमा या एथिकल डायलेमा, कि आप एक धर्म संकट में हो. कैसा ये बार बार याद रहेगी टर्म धर्म संकट जब तक ये कोर्स चलेगा. और कैसा डिलेमा, विच इज पर्टेनिंग टू एथिक्स. क्लियर? तो बस ये आपका एक ओवरऑल नट सेल में पूरा पेपर है 100 मार्क्स का गवर्नेंस. पेपर का नाम ही याद कर लो, थोड़ा आज की क्लास में आपको ये हिम्मत लगी, पेपर का नाम तो याद हुआ इतना लंबा, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस एंड एथिक्स. एथिक्स के बाद वैसे देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी भी है, बट आपके पेपर के नाम में नहीं है क्योंकि उतनी जगह भी तो पेपर की शीट के ऊपर जहां पे पेपर नेम लिखना होता है वहां पे इतना होगी भी नहीं जगह, ये भी नहीं आ पाएगा पूरा, छोटा छोटा करके लिख देना ये गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर. अगली क्लास से हम पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गवर्नेंस वाला ही हम कोशिश करेंगे पहले पूरा निपटाएं एंड उसके बाद आगे चलें. क्लियर? कोई डाउट आपको? चलो, थैंक यू सो मच.